हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। मैं देखो, ये कैसे हो वाला जो था ना, ये मेरा था, कैमराती वाला नहीं था। देखो आज मैं लेके आया हूँ, मतलब लेके आता ही हूँ, बट हाँ, आप लोग बहुत बार बोल रहे थे कि इतने दिन से ऑफलाइन कहाँ हो, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, क्या कर रहे हो। कह सकते हो थोड़ा फ़न कर रहा हूँ, फ़न टाइम था 80 डेज अराउंड, तो कुछ ज़्यादा ही टाइम बिता दिया। अब तक स्टार्ट कर देना चाहिए था यूट्यूब, बट समझ रहे हो, टाइम मिला, जब टाइम मिलता है तब वो काम उस टाइम हो नहीं पाता, और जब टाइम नहीं होता है तब उसके बारे में सोचते रहते हैं। वो छोड़ो, अभी जो आया हूँ ये वीडियो लेकर इस पर फोकस करते हैं। बाकी वॉइस ओवर भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पहली बार कर रहा हूँ इतना लॉन्ग वीडियो पे वॉइस ओवर, तो उसका संभाल लो और मतलब मैनेज कर लेना। बट वह इंट्रो कैसा था ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये बनाने में कम से कम, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट से ज़्यादा लगे, मतलब लगे और अच्छे खासे टाइम लगे, क्रिएटिविटी लगाया था इंट्रो पे बहुत। और आज का जो टॉपिक है, ये मतलब टॉपिक नहीं, मैंने एक पोल किया था, उसमें ज़्यादातर वोट एक बात पे थे कि मूड बेन्यू चाहिए, वो भी फ्री फायर का। फ्री फायर मैक्स में बैन हो जाता है तो वो किसी को चाहिए है नहीं। बाय द वे, फ्री फायर में लिया करो मूड बेन्यू, ये सब कुछ नहीं होगा, आपका आईडी कन्फर्म बैन नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मतलब ऐसा गारंटी सब लोग ही देते हैं, मैं वैसा नहीं बोल रहा, बट नहीं होता है। तुम फ्री फायर मैक्स पे अपना मेन आईडी रखो, और फ्री फायर जो और होता है ना, फ्री फायर जो पहले हम खेलते थे उस पर हैक वाला जो करना है करते रहो। फ्री फायर दोनों तुम एक ही डिवाइस पे रख सकते हो, कुछ नहीं चाहता, मैं खुद रखता हूँ। मतलब मैंने रिसेंटली रखना शुरू किया है, उतना मतलब पहले से नहीं कर रहा, बट कुछ नहीं होता, एक महीना जितना हो गया। और जो मेन चीज़ है, मैं आज लाऊँ क्या, ग्रिंगो XP V62 जो अभी लेटेस्ट निकला है, नया निकला है, बट इसका जो लिंक है, उन्होंने जो ही लिंक दिया है ये कोई खोल नहीं पा रहा था, फिर भी मैंने बहुत टाइम लगा के खोला, उससे एक वीडियो था अभी, शायद YouTube पे ये पहला ही होगा ग्रिंगो XP का जो ये मोड हैक है। तुम देख ही पा रहे हो ये क्या ही खतरनाक हैक है, मतलब मज़ा तो आता है, फुल मज़ा आता है। एक बार यूज़ करो, मतलब यूज़ करने में आपका उतना स्टोरेज जाने वाला है नहीं, थोड़ा ही चाहिए। अगर तुम्हारे पास 1 GB भी खाली है ना, 1 GB नहीं, हाँ 1 GB, 500 MB जितना भी अगर खाली है फ़ोन में स्टोरेज, तो तुम ये आराम से कर सकते हो। और नो लॉस, कोई बैटरी ड्रेन, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, मैंने इसको 1 मंथ तक यूज़ किया। हाँ, इसका तब अलग वर्जन था, बट अब अलग है। देखो इसमें क्या ही मज़ा है, मैंने जस्ट दबाया और हो गया, जस्ट उधर तुमको साइड से ऑन करना होता है, ये 3-4 मैं आगे बताते रहूँगा। या अप्लाई प्रोसेस पे थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है वीडियो, बट देख लो, सब लोग तुमको दिखाते रहेंगे शॉर्टकट में। अभी अप्लाई प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ, पहले सबसे पहले आपको ज़ेरा आर्चीवर पे, मतलब प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना, ये तो चाहिए होता है, मैंने नेट ऑन नहीं किया, चलो कर लेता हूँ, ऑन कर लिया। अरे यार आ जाओ, सो ज़ेरा आर्चीवर इंस्टॉल कर लिया करो, मतलब अगर तुमको ये सब करना है तब ये चाहिए, ये ऐप चाहिए मतलब। उसके बाद आपको जाना है डाउनलोड वाले फोल्डर पे, उसके बाद मैंने जो लिंक दिया है उसके सर्च करना है, मेरा वो फोल्डर डाउनलोड करने के बाद फ्लेम सर्च कर देना, आ जाएगा। मतलब होता है ना, डाउनलोड में मेरा भी बहुत भरा पड़ा रहता है, ये जिप है, इसको दबाओ। यहाँ फुल वीडियो में 2 पासवर्ड है, इधर तुमको इसको और एक बार दबाओ, मतलब ऐसा एक दो बार टैप करते रहने से आ जाता है। इधर एक एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, इसको टैप करना है, उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट, उसके बाद नीचे जो दिख रहा है ना, मैं इधर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एक मिनट, ये किधर है, ये नीचे जो एक ऑप्शन है देख रहे हो, इसको टैप करना है तो इस जगह पे आ जाएगा वो। अब इस जगह पे FSFF सारे कैपिटल पे है, ये आपको डालना है, तो मतलब यही पासवर्ड है जिप का, मैंने जिप का अलग से रखा है, ताकि मतलब आप लोग वीडियो आधे से देख के छोड़ देते हो, उसके बाद आपको प्रोसेस पता नहीं चलता, उसके बाद कमेंट्स आते हैं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं होगा, आप बीच से मत छोड़ो, कितना ही लंबा है, 8 मिनट का। रैंडम यूट्यूबर्स कुछ भी डाल रहे हैं, पहला वाला वर्जन डाल दे रहे हैं, तुम ओपन करो, गेम ओपन नहीं होगा, फिर तुमको तुम्हारा ऐसे डेटा बर्बाद। ये इधर से फिर से फ्लेम सर्च करो, उसके बाद इधर से आप इंस्टॉल कर सकते हो आराम से, इसको पहले इंस्टॉल करना है आपको, कोई भी इंस्टॉलर यूज़ कर लो, मैं तो ये कर रहा हूँ इंस्टॉल। अरे हो जा जल्दी, हो ही रहा है, डन उसको ओपन नहीं, बाद में कर रहा हूँ अभी, पहले उसके बाद जो भी है वो भी मैं दे ही दूंगा आपको। उसका जो MB है वो 353 का होगा, मेरे इधर ऑलरेडी बहुत OBB है, आपके उधर भी होगा, क्यों आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, तो इधर स्पेसिफिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो 353 वाला जो भी होगा OBB वो मेरा वाला होगा, मतलब मेरा वाला इस पर लगाना है, मेरे वाले का होगा। इसको पहले अनज़िप करना, मैं इधर मार करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है उसको। अरे यार मजा क्या, मतलब
ये रिकॉर्डर यूज़ नहीं करता ना मैं, टाइम लग रहा है थोड़ा, हो गया। जब समझ रहे हो ना, 353 वाला जो, उसको टाइप करके एक्सट्रैक्ट करना है, तो इधर सेम पासवर्ड है, दोनों का पासवर्ड सेम है। मतलब ये जिप इसलिए बनाता हूँ, मतलब मेनली सेफ रहने के लिए फाइल, ये इधर उधर हो जाता है, फोल्डर दूंगा तो पता नहीं चलेगा आपको भी कि कहाँ था कौन सा था। मेरा खुद का इतना सारा वो भी इधर पड़ा हुआ है, स्टोरेज मिला है 128 GB, क्या ही करूँ, ये करता हूँ। फिर बैक करना है, उसके बाद इसको जो मेन है, जो मतलब मेन सर्च करने से ये OBB आता है, इसको कॉपी करना है। मतलब टाइप करके रखो कॉपी, मतलब आता है टाइप करके रखो आ जाता है कॉपी का ऑप्शन, देखोगे अभी। ये फिर से एक बार चेक करवा रहा हूँ, मतलब वही है 358 MB, जब होता है ना उसका, ये 358 MB का हो जाता है जब जिप खोलते हैं। उसके बाद इसको कॉपी करना है, डाउनलोड्स को टैप करना है, उसके बाद डिवाइस स्टोरेज एंड्रॉयड, एंड्रॉयड दबा के OBB पे जाके देखोगे उसका फाइल अभी तक आया ही नहीं है। फ्री फायर मैक, वो फ्री फायर का, फ्री फायर मैक्स पे नहीं लगा रहा, तो मैं फिर से अपना गेम खोलने वाला हूँ। मैं तो भूल गया, मतलब करना था उसको पहले ही, एक बार गेम को ओपन करना है, जस्ट दर्शन करके आ जाओ अंदर से, ये ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ तक वो OBB वाला फोल्डर ही नहीं बनता। ये बनाने के लिए एक बार दर्शन करने पड़ते हैं। ये वॉइस ओवर थोड़ा ख़राब हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कर रहा हूँ पहली बार, समझ जाऊँ। ऐसा मैक्सिमम ये सैमसंग वाले फ़ोन्स में आता है कि अंदर जाके डाउनलोड नहीं कर सकते, सैमसंग वीवो इन सब में ज़्यादातर आता है, ओप्पो में भी आता है सुना है, मेरा तो सैमसंग है। तो इधर आके मैं फिर से उसको पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं कॉपी करके गया था ना, मैं इधर आके फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मेन को जो है ना, उस मेन लिखा हुआ उसको कॉपी करके तुमको डिवाइस मेमोरी एंड्रॉयड पे जाके फ्री फायर के OBB में पेस्ट करना है। अब इसको फिर से खोलूंगा मैं गेम को, ताकि कन्फर्म हो जाए कि ये हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जो लगाया उससे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेट ही ऑन नहीं किया मैं, अरे आ जा जल्दी आ जा। चलो 5 MB का डाउनलोड कर लेता हूँ, 5G है, इनफ स्पीड है मेरे पास। हो गया, कुछ दिखा क्यों नहीं रहा? अगर देखो ऐसे अभी नहीं, अभी कुछ नहीं दिखा रहा, दिखाना चाहिए बट कुछ दिखा नहीं रहा, तो मैं इसके बाद आ गया, अभी मैं फिर से गेम को रीस्टार्ट करूँगा। अरे कट जा कट जा, इसको फिर से रीस्टार्ट करना है ताकि ये मतलब दिखाएं। जब OBB लगाने के बाद पहली बार खोलता तब नहीं दिखाता, दिखा भी सकता है कभी कभी, आपका अलग हो सकता है, मेरा थोड़ा सा अलग है, सैमसंग का है तो इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी ये सब डाल के रखते हैं सैमसंग में। आधी फाइल तो आप लगा ही नहीं सकोगे कौन से। ये अब आ गया ग्रिंगो XP। अब इसका जो पासवर्ड है, ये मेन पासवर्ड है, इस पर FRW सारे स्मॉल लेटर पे, देख लो अच्छे से देख लो। अब लॉगिन दबाना है, हर बार आपको ये पासवर्ड दबाने को आएगा। अब आपको लगाना है गेस्ट, ये सब साइड में मैं दिखा रहा हूँ, ये साइड में देखो गेस्ट लिखा होगा, इसको टाइप करना है तो आपका गेस्ट ID बन जाएगा, और इससे आप खेल सकते हैं, ईजी है, मज़ा तो बहुत आने वाला है। अरे भाई आउट्रो कौन दिखाएगा, आउट्रो भूल गए? ओ हाँ आउट्रो प्लीज, और ब्रो सब्सक्राइब करके जाना है, सब्सक्राइब ही कहते हैं, सब्सक्राइब नहीं कहते, सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को शेयर और लाइक भी करना है बट सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट करना ही है, वो अनिवार्य है, सब्सक्राइब और कमेंट करना।